जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, हम लोग देख रहे हैं HSRA के कमांडर इन चीफ, महान क्रांतिकारी, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की शहादत पर, बलिदान पर केंद्रित खास श्रृंखला सेनापति की शहादत। और इस श्रृंखला में हम लोगों ने पहले देखा था चंद्रशेखर आजाद किस तरह से शहीद हुए, किन लोगों पर गद्दारी का आरोप लगा। फिर इस मामले में बड़ा विवाद हाल ही में हुआ जब सचिंद्रनाथ सान्याल के पोते ने आरोप लगाया यशपाल पर, और फिर यशपाल के बेटे ने अलग से लेख लिख करके सफाई दी। तो फिर हम लोगों ने इस श्रृंखला को इसी रूप में आगे बढ़ाया और देखा कि इस मामले पर, चंद्रशेखर आजाद की शहादत को लेकर के जिन लोगों पर गद्दारी के आरोप लगे थे, उसे लेकर के उस समय के दस्तावेज और उस समय के क्रांतिकारियों ने क्या कहा था, क्या लिखा था। तो हमने देखा था कि लंबे समय तक ये मामला ठंडा पड़ चुका था, लेकिन 1967 में धर्मयुग में यशपाल ने 4 लेख लगातार लिख करके और वीरभद्र तिवारी को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। साथ ही उन लेखों में यशपाल ने दूसरे 8-10 क्रांतिकारियों के तरफ भी उंगली उठाई। इसे लेकर के उस समय जो भी जीवित बचे थे क्रांतिकारी, उन लोगों में खलबली मची और उन लोगों ने आपस में भी एक दूसरे के साथ पत्राचार किया इस विवाद पर कि ये यशपाल ये क्या कर रहा है। और फिर अलग अलग उस समय के पत्र पत्रिकाओं में क्रांतिकारियों ने भी आलेख लिखा उसके जवाब में। इसी दौरान यह भी याद रखिए कि ललन प्रसाद व्यास ने साप्ताहिक हिंदुस्तान में लेख लिखा जिसमें भी वीरभद्र तिवारी को निर्दोष साबित करने की कोशिश की गई। इस समय तक वीरभद्र तिवारी जीवित था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि नंद किशोर निगम ने दिनमान में लेख लिखा इस विवाद पर जो यशपाल ने शुरू किया था, लेखमाला लिख करके, 4 लेख लिख करके। और फिर उसके बाद दिनमान में ही सुखदेव राज, जो चंद्रशेखर आजाद के अंतिम समय में साथ में मौजूद थे, उस अल्फ्रेड पार्क में मौजूद थे, उन पर भी चूंकि उंगली उठाई गई थी, यशपाल ने उनकी तरफ सबसे अधिक इशारा किया था, तो उन्होंने भी ये लेख लिखा। दिनमान पत्रिका के 21 अप्रैल 1968 के अंक में सुखदेव राज का ये पूरा लेख छपा। इस हिस्से को हम लोग पिछले वीडियो तक देख चुके थे। इस वीडियो में देखिए इसी वक्तव्य में एक सब हेड दे करके दुर्गा भाभी का वक्तव्य आगे छपा है। दुर्गा भाभी का यह सीधे तौर पर लिखा हुआ वक्तव्य नहीं है, सुखदेव राज ने ही जो अपने लेख में जो बातें दुर्गा भाभी को लेकर के कही हैं, वही इस लेख का हिस्सा है। दरअसल जब यह विवाद उठा था तो दूसरे पत्र पत्रिका भी इस विवाद में सक्रिय होकर के काम कर रहे थे। उन्हीं दिनों पांचजन्य पत्रिका के संपादक वचनेश त्रिपाठी ने दुर्गा भाभी का इंटरव्यू किया था। वो ओरिजिनल अभी इंटरव्यू मुझे नहीं मिला है, मैं तलाश कर रहा हूं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं सुखदेव राज का वक्तव्य और दुर्गा भाभी का वक्तव्य, ये ओरिजिनल कॉपी है 21 अप्रैल 1968 के दिनमान की। ये पेज 7, पेज 8, पेज 9 तक ये पूरा मामला इस पर छपा था। तो पेज 7 पर ही शुरू होता है सुखदेव राज का ये वक्तव्य और ये खत्म हो करके फिर जो दुर्गा भाभी के वक्तव्य के नाम से छपा है वो भी पेज 7 से 8 तक जाता है। और 8 पर जब दुर्गा भाभी का वक्तव्य खत्म होता है तो फिर वीरभद्र तिवारी का भी वक्तव्य शुरू होता है। वही वीरभद्र तिवारी जिसका नाम सबसे अधिक क्रांतिकारियों ने लिया है और दावे के साथ लिया है कि उसने गद्दारी की थी। उसने भी दिनमान को एक पत्र लिखा था, अपना वक्तव्य दिया था और अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश की थी। याद रखिए यशपाल ने 4 लेख पहले लिखे थे, फिर ललन प्रसाद व्यास ने लिखे, इन लोगों ने वीरभद्र तिवारी को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। आजाद की शहादत के करीब 36 साल बाद ये सब कुछ हो रहा है। 36 साल तक खामोश रहा वीरभद्र तिवारी। इस मामले पर दूसरे लोग भी खामोश रहे, यशपाल को भी जरूरत नहीं पड़ी और न ललन प्रसाद व्यास ने या और किसी ने 36 साल तक कुछ कहा इस मसले पर। इन 36 वर्षों में बहुत सारे क्रांतिकारियों का निधन हो चुका था। इन 36 वर्षों में बहुत सारे क्रांतिकारियों का जो जीवित बच गए थे आजादी के बाद उनका निधन हो चुका था और ऐसे समय में यह विवाद उठा। तो हम लोग जो सुखदेव का वक्तव्य है दिनमान के
21 अप्रैल 1968 के अंक में। वो आगे देखते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सुखदेव राज का वक्तव्य देखा था और सबहिट देकर के दुर्गा भाभी का वक्तव्य यहां से छपा है। दुर्गा भाभी के इस वक्तव्य में शुरू में ही सुखदेव राज ने पांचजन्य के संपादक वचनेश त्रिपाठी को भी उद्धृत किया है। आइए हम लोग देखते हैं हूबहू क्या लिखा है, क्या दीनवान में छपा था दुर्गा भाभी के वक्तव्य के नाम से इस विवाद पर। दुर्गा भाभी का वक्तव्य। यशपाल के लेख के प्रकाशन के बाद पांचजन्य के संपादक श्री वचनेश जी ने दुर्गा भाभी से इंटरव्यू लिया और सुखदेव राज पर लगाए गए आरोपों के संबंध में जानकारी चाही। जो उत्तर उनको दुर्गा भाभी ने दिए वे बहुत स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि सुखदेव राज ने आजाद को गिरफ्तार कराने में किसी प्रकार का सहयोग अंग्रेजों को नहीं दिया तथा पार्टी के साथ किसी प्रकार का विश्वासघात नहीं किया। दुर्गा भाभी ने कहा कि वीरभद्र को अधिकांश लोग गद्दार मानते थे। चरित्र और पैसे की गड़बड़ी के संबंध में दुर्गा भाभी ने और भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि आजाद को और पार्टी को स्त्री और पैसे की बातों ने बहुत उलझन में डाला। सुखदेव राज कभी भी इसका कारण नहीं बना, बल्कि दूसरे लोग ही इसका कारण रहे। जो चरित्र हत्या का प्रयास यशपाल ने मेरे और वैशंपायन के विरुद्ध किया है, उस संबंध में भाभी ने अत्यंत खुली भाषा में कहा है कि यशपाल के अलावा दूसरे साथियों के पास केवल कंगाली है, साधनहीनता है, प्रेस की शक्ति नहीं है। दूसरे क्रांतिकारियों को हीन सिद्ध करने की कोशिश अनुचित है। ऐसा कीचड़ उछालना अशोभनीय है। यशपाल ने भाभी को इस कीचड़ में जो घसीटने का प्रयास किया है उसका मुझे बहुत ही दुख है। भाई भगवती चरण हमारे पूज्य थे, क्रांतिकारी आंदोलन के एक वरिष्ठ नेता थे, वह हमारी श्रद्धा के पात्र हैं। यशपाल अपने द्वेष के सामने किसी छोटे बड़े का लिहाज नहीं करता। आज 38 वर्षों के बाद गड़े मुर्दे उखाड़कर साथियों को गाली देने से जो स्थिति पैदा हुई है वह यशपाल के लिए शोचनीय है। बचे खुचे सभी क्रांतिकारी आज एक आवाज से यशपाल की निंदा कर रहे हैं। यहाँ दीनमान के संपादक ने कोष्ठक में लिखा है कुछ, श्री सुखदेव राज ने यशपाल के एक और आरोप का भी उत्तर दिया है और जस्टिस भिड़े के फैसले का अंश भी अपने समर्थन में उद्धृत किया है। क्योंकि यशपाल का आरोप भी मुख्य प्रसंग से संबंध नहीं रखता, इसलिए इस वक्तव्य का वह अंश भी छोड़ दिया गया है। आगे फिर है इसी आर्टिकल में जो सुखदेव राज लिख रहे हैं, यशपाल की चरित्र हत्या का सबसे पहला शिकार हुआ वीरभद्र तिवारी, जिसकी सफाई आज वह स्वयं दे रहे हैं। यशपाल ने सिंहावलोकन में लिखा है कि वीरभद्र खुफिया पुलिस इंस्पेक्टर पंडित शंभुनाथ का केवल पड़ोसी ही नहीं था, बल्कि ऐसी धारणा थी कि दोनों परिवारों में काफी सौहार्द और संबंध भी था। आजाद के मन में यह संदेह हो गया था कि वीरभद्र विश्वासघाती है। आजाद ने तय कर लिया कि वीरभद्र तिवारी को गोली मार देनी होगी। उन्होंने मुझसे कहा कि वीरभद्र बहुत ही धूर्त और तेज आदमी है, इस अवसर पर तुम मेरे साथ रहना। मैं तैयार हो गया। यह ख्याल मुझे जरूर आया कि वीरभद्र ने बहुत आड़े समय में मेरी सहायता की है और मुझ पर उसका एहसान है, लेकिन दल के साथ वीरभद्र के उचित व्यवहार न करने के प्रमाण भी मौजूद थे। जो 3 प्रमाण मैंने ऊपर दिए हैं वे पुलिस के रिकॉर्ड और ऑल इंडिया रिपोर्टर में दर्ज है। दुर्गा भाभी का वक्तव्य मुझे स्वयं वचनेश जी से प्राप्त हुआ। यशपाल साथियों से द्वेष के कारण चरित्र हत्या करने में कितने कमीनेपन पर उतर आया है, यह उसके उदाहरण है। तो साथियों, यह आप देख रहे थे दीनमान में जो छपा है दुर्गा भाभी का वक्तव्य नाम से यशपाल द्वारा शुरू किए गए विवाद पर दुर्गा भाभी का पक्ष। ये आप देख रहे हैं दीनमान की असली प्रति जो 21 अप्रैल 1968 का अंक है, और हूबहू मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि पूरी बात समझ सकें और ऐसा ना लगे कि खास हिस्सा बताया गया या दिखाया गया। जहां दुर्गा भाभी का यह वक्तव्य अब खत्म हो रहा है, मतलब सुखदेव राज का पूरा लेख जहां पर खत्म होता है, वहीं से पेज 8 से शुरू होता है वीरभद्र तिवारी का वक्तव्य। उसने भी जैसा कि पहले बताया दीनमान को अपना वक्तव्य भेजा था और इसी अंक में
तुरंत साथ में लगे हुए वीरभद्र तिवारी का भी वक्तव्य छपा है, वो हम लोग देखेंगे अगले अंक में, लेकिन देखेंगे वीरभद्र तिवारी का भी वक्तव्य और इसके बाद और जो क्रांतिकारियों ने कहा है इस विवाद पर या जो दस्तावेज हैं उसे भी हम लोग देखेंगे। आप सभी से आग्रह है कि देश हित में क्रांतिकारियों पर केंद्रित वीडियो द फ्रीडम पर जो मौजूद हैं उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करके बताइए, आप अपनी भावना का इजहार या फरमाइश या अगर कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।